9 सितंबर 2018 को इंदौर नागपुर में प्रकाश वासनिक के निवास पर मूल निवासी संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय कार्यकारी सदस्य डीएस पाटिल उपस्थित थे। डीएस पाटिल द्वारा आरक्षण इस धोखाधड़ी शब्द का इलाज करके प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर विस्तृत मार्गदर्शन किया गया। शिक्षा तथा नौकरी का प्रतिनिधित्व यह संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों में आता है, इसलिए इसे नष्ट करने का अधिकार संसद को भी नहीं है, ऐसा प्रतिपादन भी उन्होंने इस वक्त किया। इस बैठक में माननीय उत्तर नागपुर के अध्यक्ष चेतन मासूरकर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। भोजन सलाह पर चर्चा करते समय उनके देवी देवताओं की आलोचना न करते हुए ब्राह्मणी षड्यंत्र और ब्राह्मण के वैधानिक अधिकारों पर चर्चा करने की सलाह मासूरकर इन्होंने दी। इस बैठक का आयोजन प्रकाश वासनिक ने किया था, जिसमें एडवोकेट श्रुति वासनिक और अनिता गंभीर ने चर्चा में भाग लिया। पिछले कुछ महीनों से सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल कर जानकारी निकालने वालों पर लगातार हमलों के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के बुराड़ी इलाके का है, जहां के रहने वाले नवल किशोर नाम के एक आरटीआई कार्यकर्ता की अपीलपुर इलाके में हत्या कर दी गई। नवल किशोर आरटीआई कार्यकर्ता होने के साथ चांदनी चौक इलाके में लाल किले के सामने कपड़े की दुकान लगाया करते थे। नवल के आरटीआई लगाने की वजह से कई लोगों की दुकानें सील हो गई थी। इसे शासक जातियां तथा शासित सरकार की पोल खोलने वाली बातों को नष्ट करने की मंशा से भी देखा जा रहा है। बिहार में महिलाओं के आपराधिक मामलों में वृद्धि देखी गई है। बिहार के पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2017 के दौरान प्रदेश में महिला अपराध से जुड़े कुल 15,784 मामले सामने आए थे। वही साल 2018 के जून तक बिहार में महिला अपराध के कुल 7,683 मामले सामने आए हैं। इनमें बलात्कार, अपहरण, दहेज प्रताड़ना, छेड़खानी और महिला प्रताड़ना के मामले शामिल है। बिहार में भारत बंद के दौरान एक दो साल की बच्ची की मौत हो गई है। मामला राज्य के जहानाबाद का है। यहां इलाज में देरी की वजह से बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह बीमार थी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। उतने में ही कटिहार में प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस को रोक लिया। उपद्रवियों ने एम्बुलेंस को चारों ओर से घेर लिया ताकि वह कहीं न जा सके। ऐसा ही कुछ गया में भी देखा गया। वहां भी उपद्रवियों ने एक एम्बुलेंस को रोक लिया, फिर सड़क पर टायरों में आग लगाकर प्रदर्शन करने लगे। यूपी के हरदोई जिले में प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती को शुक्रवार रात आधार कार्ड न होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करने से मना कर दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर परिजन रात 2 बजे तक सीएससी स्टाफ से भर्ती करने को मिन्नतें करते रहे। आखिर में थक हार कर गर्भवती को वापस गांव ले जाया गया। शनिवार को देर रात गर्भवती की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2018 के लिए 11 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस बाबत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मंगलवार को विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर और ऑनलाइन माध्यम से बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आयोग ने परीक्षा की संभावित तिथि 16 दिसंबर तय की है। पश्चिम दिल्ली के मोती नगर इलाके में सीवेज टैंक साफ करते समय दम घुटने की वजह से रविवार को 5 लोगों की मौत हो गई। घटना दोपहर 3:30 बजे हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि मैनेजमेंट ने हाउसकीपिंग के लिए रखे गए कर्मचारियों को टैंकों की सफाई करने के लिए मजबूर किया था। कार्रवाई की मांग को लेकर मृतकों के परिजनों ने प्रदर्शन किया।